मजदूरों की जान बार बार बची। तस्वीर भिवंडी के कनेरी इलाके की है, जहां आपको बता दें कि एक कारखाने का छज्जा यानी कि ऊपर से पतरा गिरने के बाद हड़कंप सा मच गया। मेरी जानकारी के अनुसार कारखाना चल रहा था कि मजदूर अपने काम को अंजाम दे रहे थे कि अचानक से पतरा सेट गिरने के बाद हड़कंप सी मच गई। आपको बता दें कि कनेरी इलाके में घर नंबर 223 बताया गया, जहां पर कुछ मजदूर दोपहर के दरमियान कारखाने अपने पावर लूम कारखाने में काम कर रहे थे कि अचानक से दीवार हिली और जो पतरा सेट था वो डायरेक्ट धराशाही हो गया। और आपको बता दें कि इस घटना में एक पावर लूम मजदूर जख्मी हुआ और कईयों को तो स्थानिकों की मदद से निकाला गया। वैसे बात की जाए तो प्रभाग समिति 4 के अंतर्गत इस पावर लूम कारखाना आता है, और आपको बता दें कि प्रभाग समिति 4 में इन दिनों जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। गत दिनों पहले आपको बता दें कि साहिल होटल के पास एक इमारत गिरने से जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वहीं पर आपको बता दें कि प्रभाग समिति 4 के अंतर्गत ही रतन टाकिज के करीब एक स्कूल का दीवार गिरा, और जहां आपको बता दें कि वहां पर किसी प्रकार की जो हानि नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से प्रभाग समिति 4 में अति धोखादायक और धोखादायक इमारतों पर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महानगर पालिका के आयुक्त का आदेश है कि भिवंडी शहर में धोखादायक अति धोखादायक को जो इमारत है जो घरें हैं उसे पूरी तरह से नोटिस देकर तहस नहस किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों का उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के कनेरी इलाके की न्यू लेबोरेटरी होटल के समक्ष, जहां पर एक पावर लूम कारखाने का पतरा सेट गिरने से एक मजदूर जख्मी हुआ और कईयों को स्थानिकों की मदद से बाहर निकाला गया।